हम हैं नया IBN 7 हौसला है। अब हम बात करने वाले हैं इस चुनावों की सबसे बड़ी दो शख्सियत की, और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें तो जो एक जोड़ी है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा विश्वास किया है जनता ने, और वो जोड़ी इन चुनावी नतीजों के बाद भी जोड़ी नंबर वन कहलाएगी। बात हम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। क्यों है ये जोड़ी नंबर वन, देखिए जरा। ये अब अटल सत्य है, सियासत में बार बार खरी उतर चुकी बात है। अनगिनत चुनाव में साबित हो चुका ध्रुव सत्य है कि जैसे मुन्ना भाई सीरीज की फिल्मों में मुन्ना भाई का मैन फ्राइडे सर्किट था, वैसे देश की मौजूदा सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी ताकत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं। दोनों का साथ आज का नहीं 25 साल पुराना है। ढाई दशक में दोनों एक दूसरे को बेहतरीन ढंग से समझने लगे हैं। लोग कहते हैं दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। मोदी को शाह से बेहतर बुद्धिमान और चतुर साथी नहीं मिल सकता, शाह को मोदी से बड़ी ढाल नहीं मिल सकती। हालिया विधानसभा चुनाव से भी ये बात साफ हो गई है। अमित शाह तब तक अमित शाह मैन ऑफ द मैच जिन्होंने मोदी जी ने करार दिया था, वो तब तक होंगे जब तक मोदी जी की छत्र छाया उन पे रहेगी। जहां मोदी जी सीन से हट जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली बाय इलेक्शंस में देखने को मिला था कि जहां मोदी जी ने खुद कैंपेन नहीं किया, वहां भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। सच है कि मोदी और अमित शाह का रिश्ता सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन वाला है। मोदी कमांडिंग अथॉरिटी है तो अमित शाह इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। ये जोड़ी जब भी साथ होती है तब कमाल कर देती है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उसकी बुनियाद मोदी चमत्कार ही है। यही वजह है कि पीएम पद की सारी जिम्मेदारी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों राज्यों में धुआंधार 37 रैलियां की। दरअसल ब्रांड मोदी पर टिकी अमित शाह की इस रणनीति के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का ही दिया वो मंत्र है जिसमें कांग्रेस मुक्त भारत का नारा सुनाई देता है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी दो अंक को भी पार करने में उसकी आंखों में पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। मतलब भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? कांग्रेस पार्टी की ऐसी बर्बादी क्यों हुई? इनकी बर्बादी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने देश को बर्बाद किया है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स जिस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं उससे लगता है कि अमित शाह मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को एक और सफलता देने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बावजूद अभी भी कांग्रेस का 10 राज्यों में शासन है। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद महाराष्ट्र हरियाणा में उसकी स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन आगे जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव भी होने हैं। लिहाजा अमित शाह मोदी की रणनीति पर अमल करने के लिए कमर कस रहे हैं। इस रणनीति का लक्ष्य कांग्रेस का सभी बचे खुचे राज्यों से सफाया है। अगर इस राह में कोई गैर कांग्रेसी सरकार आई तो उसे भी उखाड़ फेंकना है। ये मिशन ठीक 2014 में हुए आम चुनाव जैसा ही है जिसे मोदी ने अपनी जबरदस्त ऊर्जा और शख्सियत के करिश्मे से साकार किया, और पर्दे के पीछे से तब उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी अमित शाह ने अंजाम दिया। महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनने वाली। हालत ये हो गई कि 10 साल से देश पर राज कर रही कांग्रेस का ज्यादातर राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया। ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस लोकसभा में नेता विपक्ष का पद भी नहीं पा सकी। 126 साल पुरानी पार्टी का ये हाल देश के सियासी इतिहास को बदल देने वाला है, और इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास बदलने की इस पटकथा को मिलकर लिखा है मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, यानी सियासत की जोड़ी नंबर वन ने। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को जोड़ी नंबर वन कई बार कहा गया पिछले 6 महीनों के अंदर, क्योंकि जब जब इस जोड़ी ने
जो जो बड़े कदम उठाए, जो जो ऐसा लगा कि कदम ऐसे उठा रहे हैं जो आत्मघाती हो सकते हैं, लेकिन उन कदमों ने हमेशा रिजल्ट ला के दिया। उदाहरण के तौर पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद अमित शाह को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देना, इन दोनों की जोड़ी ने जिस तरीके से उस पूरे कैंपेन को प्लान किया वो आज सबके सामने है। बीजेपी की 70 से ज्यादा सीटें यूपी में आई हैं। फिर ये लोगों ने मिलकर 25 साल पुराने गठबंधन से किनारा किया, महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ा और क्या हो रहा है, एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं वो सबको पता है। हरियाणा से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर, तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। जेटली साहब, राजीव जेटली लीडर INLD हमारे साथ हैं। राजीव जेटली जी, आप मानते हैं कि एक वक्त में जब आप बीजेपी के साथ थे तो आप ज्यादा मजबूत थे, अगर आज बीजेपी के साथ आप गठबंधन में होते तो ज्यादा फायदे में रह रहे होते? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो ऑक्सीजन मिली है हरियाणा प्रदेश में, हमेशा वो इंडियन नेशनल लोकदल की वजह से मिली है। अगर मौजूदा परिस्थितियों में भी आप देखें, मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 4 विधायक थे और हम बहुत मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठे थे 31 विधायकों के साथ। और दूसरी बात, जो पिछले 5 साल सरकार चली है उस सरकार को भी मैंडेट नहीं मिला था। हम दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस रहा हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल रही हो, हम दोनों ही मजबूती से आगे आए थे लेकिन मैंडेट किसी को नहीं मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर आप कंपेयर करते हैं हमारे साथ तो मुझे लगता है ये जस्टिफाई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और आपके एग्जिट पोल भी मैं देख रहा हूँ, एग्जिट पोल पे भी आप देखिएगा, कल आज 19 तारीख बहुत दूर नहीं है, मात्र 12-13 घंटे की बात है, सभी एग्जिट पोल आप देखिएगा सब किसी का भी कोई आधार नहीं रह जाएगा। और चलिए जेटली जी, आपकी बात मान ली, 50% आज आप जो चाहे एग्जिट पोल पर बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल ना मैंने किए ना आपने किए, देश की अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग एजेंसीज ने किए, उसका निष्कर्ष हमने देखा। रमेश विनायक न्यूट्रल वॉइस है, पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, आपके इलाके से वाकिफ है। रमेश जी, क्या एग्जिट पोल इतने गलत है कि INLD को उन्होंने नंबर 2 की पार्टी दिखाकर बहुत गलत काम किया है? सुमित, मुझे नहीं लगता कि जो एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है वो सच्चाई से ज्यादा दूर होगी। जब कल नतीजे आएंगे मुझे लगता है कि वो जो एग्जिट पोल ने जो एक ब्रॉड ट्रेंड दिया है वो उसी को एक तरह से कंफर्म करेंगे। और ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और जो नेशनल इंडियन नेशनल लोकदल है वो लगता है कि वो काफी पीछे नंबर 2 पर रहेगी और कांग्रेस नंबर 3 पर आने की आशा। इस बार जो पोलिंग हुई है उसमें रिकॉर्ड टूटे हैं, 70-75% के आसपास पोलिंग होना हरियाणा में, और उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इतनी पोलिंग का मतलब क्या वही पुराना फॉर्मूला कि जब ज्यादा आदमी वोट करने निकलते हैं तो सरकार के खिलाफ वोट करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी होती है? सुमित, मेरा मानना ये है कि जो इतनी रिकॉर्ड पोलिंग हुई है हरियाणा में वो एक तरह से बदलाव की उसको वोट माना जाएगा। लोग बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव में वो कांग्रेस का बदल किसको मानते हैं ये देखने वाली बात है। संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं। संबित, देखिए, ये जो आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि जो हाई वोटर टर्नआउट रहा उसका क्या हम कर सकते हैं विश्लेषण, तो मैं ये कहना चाहूंगा 2 मुख्य कारण होते हैं कहीं भी हाई वोटर टर्नआउट के लिए। एक तो मोबिलाइजेशन होता है, दूसरा मोटिवेशन होता है। ठीक है, मोबिलाइजेशन के लिए मान सकते हैं कि नया जमाना है, डिजिटल जमाना है, इलेक्शन कमीशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इसलिए घर से लोग निकल रहे हैं, मगर मोटिवेशन आखिरकार कौन दे रहा है? आप देखिए, क्या हुड्डा ने ऐसा कुछ बहुत कमाल कर दिया जो लोग मोटिवेट होकर हुड्डा जी को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकल गए? क्या चौटाला साहब तिहाड़ की जेल से ऐसा मोटिवेशन दे सके कि लोगों को लगा कि वाकई हम सबको तिहाड़ चले जाना चाहिए और हमें INLD को वोट कर देना चाहिए? या नरेंद्र मोदी जी के विजन ने पूरे देश को मोटिवेट किया? मुझे लगता है, मुझे इस पर बहुत ज्यादा डिबेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, इन तीनों में से जनता ने अपना ऑप्शन चुन लिया और मोटिवेशन के साथ वो बाहर निकली है, तो जवाब भी इसी के अनुकूल ही रहेगा, अर्थात कल जो रिजल्ट आएगा वो इसी के अनुकूल रहेगा कि सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया। जाहिर सी बात है, पल्लवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, एक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी, जोड़ी नंबर 1 की बात हो रही है, अगर
अच्छे नंबर्स आते हैं बीजेपी के, हालांकि आज दुष्यंत चौटाला ये बात कह चुके हैं कि कहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार होंगे, थोड़ी रुख में नरमी आई। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, बीजेपी के नंबर्स अच्छे आते हैं, तो क्या ये माना जाए इसका क्रेडिट पूरा पूरा इस जोड़ी नंबर वन को जाएगा? जी बिल्कुल, हरियाणा में बीजेपी की उतनी बड़ी भूमिका अब तक उतनी नहीं रही है, खासतौर पर जब जब वो अकेले आने की कोशिश की है वो नाकामयाब रही। लेकिन अगर बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है यहाँ पे, तो पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो विनिंग कॉम्बिनेशन को जाता है उसको दिया जाएगा। और खासतौर पर ये जो बीजेपी की सोची समझी रणनीति है कि अकेला चलो रे लकी, यानी कि हमें और कोई एलाइज की जरूरत नहीं है, हम श्रेय किसी को देना नहीं चाहते, और जो बैगेज की बात की जाती है राजनीति में वो बैगेज हम साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं, ये एक नई रणनीति है बीजेपी में। मुझे लगता है आने वाले दिनों में शायद पंजाब में भी देखने को मिलेगा। इस तरह की अटकलें हैं कि शायद अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है तो यही फॉर्मूला वो लोग पंजाब में भी अपनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है, ये मुमकिन है कि बीजेपी और अकाली दल के बीच में जो अलायंस है वो टूट भी सकता है, क्योंकि पंजाब के चुनाव भी 2 साल बाद है और बीजेपी को लगने लगा है कि अकाली दल को साथ साथ लेके अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको बैगेज भी अपनाना पड़ेगा, और ये किसी भी हद तक वो नहीं अपनाना चाहते हैं। तो एक अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का जो एक विनिंग फॉर्मूला है वो माना जाता है, वो शायद अपनाया जाएगा। पल्लवी, आप तो रोहतक में हैं, कांग्रेस के गढ़ में खड़ी हुई हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर सन्नाटा है? हुड्डा साहब और उनका इलाका उनके हाथ से छिन रहा है। और सुमित, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो ये भी सोच रहे होंगे कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। देखिए, जितना भी चुनाव हुआ है या प्रचार कांग्रेस का हुआ है हरियाणा में, वो हुड्डा में रहा है। आप जितने भी पोस्टर्स देखेंगे सुमित, वहाँ पे सोनिया गांधी छोटे में दिखती है और ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखते हैं। और अगर यहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहता है तो पूरा श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ ही उनके जो भी विरोधी रहे हैं कांग्रेस में, चाहे वो कुमारी शैलजा है, वो ये सवाल उठाना शुरू करेंगे कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पॉलिटिकल फ्यूचर एकदम खत्म होना चाहिए, और किसी भी हद तक आवाजें पहले भी उठी थी, और अब अगर आना चाहिए, अगर हारती है, अगर हारती है हरियाणा में, तो जाहिर सी बात है कि वो आवाजें फिर से और ज्यादा मुखर हो जाए। तो चलिए, हम आपको जोड़ी नंबर वन बता रहे हैं और दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों है ये जोड़ी नंबर वन। और इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जो जोड़ी है वो भारतीय राजनीति की जोड़ी नंबर वन है, और दोनों की टीम को ये रुतबा हासिल हुआ है लोकसभा चुनावों में मिली भारी कामयाबी के बाद। और इस कामयाबी में अमित शाह ने यूपी के सबसे मुश्किल किले में नरेंद्र मोदी की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाया था। मैं सोच रहा था कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते तो सोने में सुहागा होता। लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत के बाद 20 मई को संसद के सेंट्रल हॉल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय दल ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुना तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर भावुक हो गए थे। ये भावुकता समझी जा सकती है। दरअसल एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने ही देश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार का सपना देखा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को सच किया नरेंद्र मोदी और उनके खास सिपहसालार अमित शाह ने। 2014 के चुनाव के लिए मोदी ने 450 से ज्यादा रैलियां की, 5000 छोटी बड़ी सभाएं की, जिनकी कुल दूरी करीब 3 लाख किलोमीटर है। इस दौरान वो लगातार उस सपने के लिए काम करते रहे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझे आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत से जीत जाएंगे। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अथक मेहनत का फल तब सामने आया जब 2014 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आया। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई,
सियासी गलियारों, मीडिया के मंच और सड़क किनारे होने वाली बहसों में इस सफलता का श्रेय दिया गया प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत और अमित शाह की रणनीति को, यानी जोड़ी नंबर वन को। 2014 की जीत का मौका बीजेपी की पुरानी जोड़ी नंबर वन युग की समाप्ति और नई जोड़ी नंबर वन के राज्याभिषेक का भी रहा। दरअसल 2014 में मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अटल आडवाणी की जोड़ी के अधूरे मिशन को अंजाम तक पहुंचा दिया। 1957 में अटल पहली बार सांसद बने थे, उसी साल आडवाणी भी दिल्ली आ गए थे। पुरानी जोड़ी नंबर वन ने पहली बार बीजेपी को 1996 में सत्ता दी, जब 161 सीटों के साथ अटल सरकार ने 13 दिन शासन किया। 1998 में 182 सीटें जीतने वाली अटल की एनडीए सरकार ने 13 महीने तक राज किया। 1999 में अटल की गठबंधन सरकार ने 5 साल पूरे किए। मगर मोदी और शाह की जोड़ी नंबर वन ने साल 2014 में बीजेपी को 282 सीटें जिता दी। हालांकि मोदी सरकार में भी चुनाव पूर्व गठबंधन के साथी हैं, लेकिन ये भी है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत ने उसे गठबंधन की मजबूरियों से आजाद करा दिया है। गठबंधन की मजबूरियों से आजादी ही सियासत की इस जोड़ी नंबर वन का सबसे बड़ा कमाल नहीं है, बल्कि देश के ज्यादातर हिस्सों में कांग्रेस का सफाया भी इसका ही कमाल है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और उस रणनीति को उत्तर प्रदेश में लागू करने में अमित शाह की शानदार सफलता को नकारा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति का कुरुक्षेत्र बना उत्तर प्रदेश, वो सूबा जो लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सांसद चुनकर भेजता है। लिहाजा दिल्ली जीतने के लिए यूपी जीतना जरूरी था, इसलिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले अपने सबसे बड़े धुरंधर अमित शाह को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा था। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में आते ही अपना काम शुरू कर दिया था। खबरों के मुताबिक अमित शाह के साथ गुजरात से पूरी टीम आई थी। इस टीम ने उत्तर प्रदेश की हर सीट के चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण किया। प्रदेश बीजेपी में आंतरिक कलह को खत्म किया गया। टिकट बंटवारे में अमित शाह ने सबकी सुनी। फिर हर लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर कमेटियां बनाई गईं। प्रचार में तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मतदाता ने पहली बार ऐसा चुनाव मैनेजमेंट देखा जैसा कि पहले कभी नहीं देखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ाने का फैसला भी अमित शाह और उनकी टीम से मिले फीडबैक पर आधारित था। यही नहीं, प्रचार के दौरान रणनीतिक बयानों के जरिए मोदी के पक्ष में चल रही हवा को बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में भी मोड़ा गया। मुगलों का जमाना था जब तलवारें तीरें चलते थे और बदला लिया जाता है। अब बटन दबाना पड़ता है बदला लेने के लिए। बटन सही जगह पे दबाओगे तो जिन्होंने ये काम किया है उनको अपनी जगह बता। इस मेहनत का फल आखिरकार नतीजे आने पर मिला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीती। इस जीत के बाद 20 मई को नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कहा, जितनी सीटें कांग्रेस 30 राज्यों में नहीं जीत पाई उससे डबल तो अमित शाह सिर्फ उत्तर प्रदेश में ले आए। लेकिन इसकी शुरुआत तब हुई थी जब गोवा में नरेंद्र मोदी को बीजेपी के चुनाव प्रचार का जिम्मा दिया गया और 13 सितंबर 2013 को उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया। इसके बाद ही मोदी ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश के रण क्षेत्र में उतार दिया। 13 तारीख को तय हुआ, 15 से मैंने अपना काम शुरू किया। 15 सितंबर से पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसके लिए पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे ये संस्कार मिले हैं और इसलिए 15 सितंबर से जो एक परिश्रम यज्ञ शुरू किया और 10 मई को जबकि चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, मैंने अध्यक्ष जी को फोन किया। मैंने कहा मैं अहमदाबाद जाने से पहले दिल्ली आकर के आपको मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आप थके नहीं हो क्या अभी भी? मई में लोकसभा के नतीजे आने के बाद एक साल से भी लंबे वक्त से जारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मिशन पूरा हो गया। लेकिन इसके साथ ही दोनों की जोड़ी ने सफलता की नई कहानी लिखने के लिए भी कमर कस ली है। सियासत की जोड़ी नंबर वन अपने अगले मिशन में कितनी सफल हुई, ये 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे से साफ हो जाएगा।